मंगलवार 27 जून को चिटगुप्पा के पुलिस थाना में पीएसआई महेंद्र कुमार के नेतृत्व में 29 जून को होने वाली ईद उल अजहा के संबंध में शांति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में चिटगुप्पा के वरिष्ठ राजनेता काजी सैयद शाहनूल हक बुखारी के अलावा चिटगुप्पा के सभी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर काजी सैयद शाहनूल हक बुखारी, पीएसआई महेंद्र कुमार, सैयद राशिद अली पटेल ने संबोधित करते हुए ईद उल अजहा को अमन और शांति के साथ मनाने की अपील की। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। ये जो मामला है कुर्बानी का, ये हमारी प्रैक्टिस के अंदर दाखिल हो गया है। इसको समझाने की या बयान करने की बताने की जरूरत बाकी नहीं रही है। फिर भी अगर कोई ऊंची नीच हो जाती है तो उसको इंशाल्लाह ताला संभाल लेने की, उन कोशिशों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। मैं आप यकीन दिलाना चाहता हूं। और एक बात जो थोड़ा सा आज की टॉपिक से हटकर है, ये मैं कहने की कोशिश करना चाहता हूं कि हमारे साथ में हमारे पीएसआई साहब महेंद्र कुमार साहब का साथ रहा। 2 बरस उन्होंने पूरे मुकम्मल किए यहां पर, 2 बरस से ऊपर भी निकल गए, लेकिन उनको यहां से डिस्टर्ब नहीं किया गया था। हमारा यह ख्याल था कि और भी कुछ दिन तक उनको यहां से डिस्टर्ब नहीं किया जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि ये खुद भी यहां से जाने की ख्वाहिश कर रहे थे, इस वजह से ये जा रहे हैं, वरना जी इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इस वजह से ये बात हमारे लिए वाकई थोड़े से दुख की जरूरत है कि आप पिछड़ कर हमसे अनखरीद। चिटगुप्पा के तमाम पीएमसी काउंसलर्स और बुजुर्गों और दोस्तों, आज यहाँ पे जो पीस मीटिंग बुलाई गई है, 29 तारीख को जो बकरीद की ईद है, उस ईद के ताल्लुक से यहाँ पर जो है पुलिस स्टेशन में पीएसआई साहब पीस मीटिंग बुलाए हैं। और जैसा कि एक रिवाज